क्या ये जो टीबी की बीमारी है ये क्योरेबल है? किन हमारी बेसिक सी गलतियों की वजह से हमें ये टीबी की बीमारी हो जाती है? क्या हमें इसमें अपनी बॉडी में लक्षण शो होते हैं? क्या इसमें हमें टेस्ट कराने चाहिए? किन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हमें इसमें अपनाना चाहिए? इन सभी बातों की सही और ऑथेंटिक जानकारी आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। आपके पहले प्रश्न का जवाब कि क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल, अगर सही समय पर सही डायग्नोज करके इसका सही ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये बिल्कुल क्योरेबल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हाँ, आप इसमें देरी करते हैं या ट्रीटमेंट गलत लेने की वजह से आपको देर हो जाती है तो ये कॉम्प्लिकेशन बनकर हो सकता है बीमारी आपकी ठीक ना हो। दूसरा ये कि आपको इसमें कुछ कारण ध्यान रखने हैं जिनकी वजह से ये होता है। पहला कारण वो जिसकी वजह से आपकी बॉडी तुरंत कुछ सिम्टम्स से शो करेगी और आपको ये बीमारी हो जाएगी, जिसमें आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली आपकी टीबी होगी। दूसरा ये कि आपको कुछ बेसिक सी गलतियों की वजह से काफ़ी लंबे टाइम में आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स से शो करेगी, वो होने के बाद आपको धीरे धीरे टीबी की शिकायत होने लगेगी। अब उसमें कारण क्या आते हैं? उसके चार कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि वेग धारण। वेग होता है, जैसे आपको प्यास लगती है तो अपनी आप प्यास को रोकते हैं, पेशाब आने पर आप पेशाब को रोकते हैं, भूख लगने पर भूख को रोकते हैं, नींद आने पर आप काम करते रहते हैं। सबसे पहला कारण ये, अगर आप इसको करेंगे तब भी आने वाले फ्यूचर में इसकी वजह से आपको टीबी हो सकती है। दूसरा ये कि आपके खाने पीने की वजह से जब आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी तो आपकी बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो आप जल्दी बीमार होंगे, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, अगर आप अपनी शारीरिक श्रम से ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मजदूर लोग करते हैं, वो अपने बॉडी के बल के हिसाब से ज़्यादा वेट उठाते हैं या जो भी काम करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए, उनकी वजह से एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद उनको टीबी की शिकायतें होने लगती हैं। और फोर्थ वन, जब आप अनकॉम्बिनेटेड फूड खाते हैं, जैसे आप दूध के साथ में नमक की चीज़ें लेते हैं या फिर आप शहद और घी को इकट्ठा खाते हैं या फिर ठंडी गर्म चीज़ें एक साथ में लेते हैं, इससे होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चैनल्स होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इस वजह से आपकी बॉडी में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो चार गलतियां मैंने आपको बताई, सबसे पहले तो आप इनको अवॉइड कीजिए। तो ये थे कारण जिनकी वजह से आपको टीबी हो सकती है। अब ज़रा आप समझिए कि हमारी बॉडी टीबी होने से पहले आपकी बॉडी में कुछ सिग्नल्स देती है, मतलब अभी आपको टीबी नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर अगर आप ये जो गलतियाँ कर रहे हैं इनकी वजह से जो ये सिम्टम्स बॉडी देगी, एक सिग्नल देगी, वो अगर आप इग्नोर करेंगे तो इन फ्यूचर शायद आपको टीबी 100% हो। अब वो सिग्नल बॉडी क्या देती है? सबसे पहला कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से या तो जुकाम होगा या फिर आपको खांसी होगी या फिर आपका कफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इस कफ की बढ़ने की वजह से आपको नींद ज़्यादा आएगी, आपके नाखून, आपके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, आपको प्यास और आपको सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स बॉडी सिग्नल देती है या शो करती है जिसकी वजह से आप समझ जाएं कि आपको इस टीबी की ओर जाना पड़ सकता है। अब बात करेंगे कि आपको जब कंफर्म हो ही जाए कि आपको टीबी हो गई है तो आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स शो करती है, क्या लक्षण दिखाती है। सबसे पहला कि आपके चेस्ट में और आपके शोल्डर में दोनों जगह आपको पेन मिलेगा, आपके हाथों पैरों में जलन रहेगी, आपको बुखार रहेगा, आपको एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगने की शिकायतें होंगी, डायरिया यानी बार बार लेट्रिन जाने की समस्या होगी, आपको कफ बनेगा, और रेयर केस में आपको खून की उल्टियाँ या फिर जब आप वोमिट करते हैं तो उसमें म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। अब टेस्ट के आधार पर आप कैसे कंफर्म कराएं कि आपको टीबी ही है? लक्षण मैंने आपको जो बताया उसको छोड़कर आप टेस्ट क्या करा सकते हैं? सबसे पहला कि आप अपना चेस्ट एक्सरे PAV कराएं, दूसरा इसमें मोन्टोक्स टेस्ट होता है वो कराएं, स्पूटम कल्चर कराएं, CBC कराएं और अपने ESR की जांच कराएं। बात करते हैं कि कितने महीने टीबी का ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए। देखिए, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में, ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप एटलीस्ट 9 मंथ तो इसका रेगुलर बिना स्किप किए
कोर्स ज़रूर लें, और हो सके तो आप 11 मंथ अगर कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर। अब इसका इलाज क्या है, मैं सिर्फ यहाँ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करूँगा, उसमें क्या रहता है। सबसे पहले मैंने आपके जो चार कारण बताए, सबसे पहला आपका वेग, जैसे भूख प्यास नींद, इनको आपको बिल्कुल ना ही रोकना है। दूसरा आपकी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। तीसरा आप अनकॉम्बिनेटेड फूड कुछ नहीं खाएंगे। चौथा अपने शारीरिक बल से ज़्यादा कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे। चार चीज़ें सबसे पहले तो अवॉइड कीजिए। फिर इसमें नस्य विधि के द्वारा कुछ मेडिकेटेड ऑयल आपके नाक के अंदर डाले जाते हैं, वो आप करें। पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, वो सबसे अच्छे रिजल्ट टीबी के पेशेंट में देते हैं। कुछ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद एक चम्मच घी की आप ज़रूर लें। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से, उनको अपनी जठराग्नि के ऊपर काम करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब्ज के दौरान आप कुछ भी ऐसी मेडिसिन ना लें जिससे आपको लूज मोशन हो, क्योंकि टीबी के पेशेंट में उसके शरीर का बल उसका मल ही होता है। अगर आप लूज मोशन के जरिए से कर देंगे तो हो सकता है इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में देखने को मिले। नागबला चूर्ण को आप दूध के साथ में अगर लेंगे रेगुलर, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। या फिर वर्धमान पिपली रसायन, जो कि आयुर्वेद चरक संहिता में लिखा हुआ है कि टीबी का जो पेशेंट है अगर इसका इस्तेमाल करता है तो 100% कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। अब आप अपने घर परिवार वालों को थोड़ा संकेत ये भी दें कि जो भी पेशेंट रहेगा, एक तो उसके कपड़े एक बर्तन बिल्कुल अलग रखें। कोशिश करें कि उसका मलमूत्र या थूक जो भी है उसको आप नष्ट कर दें, ताकि आप उसके संक्रमण में बिल्कुल ना आए। तो ये थी एकदम ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी टीबी के संबंध में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस इसके जानकारी के जरिए ज़्यादा बढ़े।